नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। समाज में दिव्यांगों के प्रति युद्ध स्तर पर प्रयासों की जरूरत है। सरकारें सिवाय भाषणबाजी के कुछ प्रयास करती नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्तर पर प्रयासरत हैं। एक्टिव न्यूज को एक ऐसी ही संस्था की जानकारी प्राप्त हुई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के रहन कस्बे के पास छत्र पंचायत के अधीन आते गाँव चचरेहेड में स्थापित है, जिसका नाम है एंजल दिव्यांग बा अनाथ बच्चों का आश्रम। आइए आपको लिए चलते हैं इस संस्था में, जानते हैं सूरतेहाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल मेहरा और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रहन छत्तर एंजल दिव्यांग व अनाथ बच्चों के आश्रम में। उनके को फाउंडर नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी से बात करेंगे कि कब से ये चला रहे हैं और परेशानियां क्या क्या आ रही हैं ये। थैंक यू मेहरा जी। और एक्चुअली 2 फरवरी 2017 को इसकी नींव रखी गई, इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई गई। उसके बाद 1 साल इसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और अब जो इसको ऑपरेशन में अप्रोक्सीमेटली 1 साल और 3-4 महीने हो गए हैं जो ऑपरेशन में है। हम शुरू में सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम थी कि बच्चों को आइडेंटिफाई करना जाके कि बच्चे हैं कहाँ कहाँ पे, किस पोजीशन में है। मैं और मेरी वाइफ जो है, हम गांव-गांव में गए हैं, पैदल चले हैं, स्कूलों में गए हैं, छोटे छोटे स्कूलों में जहाँ बच्चों की एडमिशन होती है, वहाँ से हम एक एक करके हमने उनको बच्चों को देखा है। और शुरू में हमने 10 से 12 बच्चों से शुरू किया था 1 साल 4 महीने पहले। आज कितने बच्चे हैं? आज 67 बच्चे हमारे यहाँ पे एनरोल में हैं और कुछ एक बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी और जो चले गए हैं, आगे फॉरवर्ड हो गए हैं। तो नीरज जी, क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पे बच्चों को दे रहे हैं? सर, फैसिलिटी की बात मैं शुरू करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे आपको पता है कि हिमाचल में गाँव में ट्रांसपोर्टेशन बड़ी खस्ता हालत है, और क्योंकि बच्चों इन बच्चों को लाना और छोड़ना सबसे बड़ा हमारे लिए टफ डिसीजन था। ये हमारा तैयार भी हो गया था, सारा कुछ बन गया था, बट जब एम्बुलेंस की बात आई कि उनको लाना कैसे छोड़ना कैसे, वो हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई थी। बट हमारे यहाँ पे एक बच्चन सिंह राणा जी हैं जिन्होंने ये हमें जो ये पहली एम्बुलेंस थी जो उन्होंने हमें डोनेट करी थी, और उसके बाद हमने उस एम्बुलेंस से उन बच्चों को घर से ले आना, घर को छोड़ना, विद पेरेंट्स, एक अटेंडेंस होता है जो पेरेंट्स आता है साथ में। और जहाँ पे हम फैसिलिटी की बात करें तो जितनी भी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हमारे पास 24 घंटे जो ड्यूटी टाइम होता है वहाँ जहाँ पे अवेलेबल होता है। और उसके अलावा पहले हमारा जो सेटअप होता है, डॉक्टर 15 से 20 मिनट एक बच्चे को फिजियोथेरेपी करता है, सारी जो भी एक्सरसाइजें करते हैं। उसके बाद अलग अलग हमारे ऑपरेशन रखे हुए हैं, मशीनें रखी हुई हैं जहाँ पे इक्विपमेंट्स काफ़ी लगे हुए हैं। इनके बारे में ज़रा बताइए, एक थेरेपी यहाँ पे चल रही है, इसके बारे में बताइए। ये एक्चुअली हमारे पास वाइब्रेटर है, इससे हीट पर वाइब्रेशन होती है। जो बच्चों में स्टिफनेस होती है टांगों में, बाजुओं में, बॉडी में स्टिफनेस है, जिस स्टिफनेस को मूव करता है, रिमूव करता है और उसमें थोड़ा सा रिहेबिलेट करता है बच्चे को, जिसमें स्टिफनेस की कमी आती है और बच्चे में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट जल्दी हो जाती है। ये हमारी एक टेंस मशीन है। फिजियोथेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट जो मशीन होती है वो टेंस मशीन होती है, जिससे बच्चे में को काफ़ी इम्प्रूवमेंट, ऑर्थोपेडिक जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है इस बच्चे में। काफ़ी टाइम हो गया हमको यहाँ, एक हॉस्पिटल से कभी एक से दूसरे से तीसरे से यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान से ही मेल हो गया हमारा। कोई जीवन का उद्देश्य भी नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या थी अभी? पेट की बीमार चल रही है, अब तो कोला भी नहीं है। अच्छा, खड़ी भी हो गई है, अब इस बार ले आके ले ली। क्या नाम है इसका? दिमाग। कितने साल का? 3 साल का। तो क्या प्रॉब्लम है इसको? सर पेट का नहीं। कितना समय हो गया यहाँ पे? 1 साल हो गया। तो कोई फर्क लगा अभी? क्या इम्प्रूवमेंट, क्या फर्क लगा? थोड़ा समझ नहीं लगा।
बच्चे भी आ रहे हैं क्या? कितने साल के बच्चे आपका? 15 साल का। क्या प्रॉब्लम है उसको? अच्छा, कितना समय हो गया यहाँ? अरे खा रहा है, पता लगा कुछ उसको? फर्क लगा? कुछ नहीं लगा। ठीक है, आपका बच्चा भी आपका? कितने साल का? कितने साल की है? 4 साल। 4 साल। क्या प्रॉब्लम थी उसको? अच्छा, कितना समय यहाँ, कितना टाइम हो गया आते? हाँ जी, क्या हाल है आपका? ठीक हो? क्या नाम है आपका? वेरी गुड। अभी ठीक हो? यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कराते हैं, कलरिंग, नंबरिंग, 1 2 3 4 मेंटली थोड़ा ग्रो अप हो सके। जैसे ये बच्चा काफी बड़ा देखने को लग रहा है, 18 साल का, और दिमाग इसका वही 5-6 साल का ही, तो अभी छोटा सा बोर्ड है। यहाँ पे हम रिकॉग्नाइज कराते हैं बच्चों को, और जितना भी ये एरिया है सारा एक मिशन है, वहाँ इस तरफ भी है, उस तरफ भी है, ऑफिस में भी है, साथ में अटैच लैट्रिन बाथरूम है, ये वेस्टर्न है सारा शीशा मिरर था के लिए। किधर भैया? इधर भी आठ नंबर किधर? तू भी आ जाओ।